उत्तर प्रदेश के हथरस में दलित समाज की नाबालिग युवती के साथ गैंग रेप, रीढ़ की हड्डी तोड़ने, जीप काटने की घटना के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय टावर चौक पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी का पुतला दहन किया। मौके पर उपस्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य सह मगध प्रमंडल कांग्रेस प्रवक्ता प्रोफेसर विजय कुमार मिट्टू, बाबूलाल प्रसाद सिंह ने आदि ने कहा कि हथरस की घृणित घटना से आज समूचा देश शर्मसार है। तो दूसरी ओर वहां के निकम्मी सरकार की पुलिस ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से पीड़िता की लाश लाकर बिना उनके परिवार की इजाजत के लाश जलाकर मामले को रफा दफा करने से मशगूल है। इस कांड से जुड़े अपराधियों को फांसी हो इसकी मांग भी की है। गया से सौरभ शरण की रिपोर्ट। दिनों पूर्व उत्तर प्रदेश में हाथरस में एक नाबालिग गरीब और दलित युवती के साथ गैंगरेप किया गया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, उसकी जीभ काटी गई और वो मरणासन्न स्थिति में हो गई, तो उसे हैवान लोग छोड़ करके भाग गए, जिसके बाद उसे अलीगढ़ अस्पताल में इलाज किया गया। वहां से उसकी स्थिति खराब होने के बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल भेजी गई, जहां सफदरजंग अस्पताल में कल उसने दम तोड़ दी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसके दम तोड़ने के बाद दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस यानी नरेंद्र मोदी की पुलिस और योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने उसके लाश को ला करके बिना उसके परिवार के पूछे हुए जल्दी जल्दी जलाने का काम किया। और आज हाथरस कांड से उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश शर्मसार है, पूरे देश में इस कांड का विरोध हो रहा है। क्या किए हैं? और आज हम लोग योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन करके योगी आदित्यनाथ जी से अगला इस्तीफे की मांग। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक मोर्चा चला था, एक आंदोलन जो चला था, उस पे आपका क्या विचार है? बेटी पढ़ाओ जो नारा है ये पूरी तरह से खोखला सी।